हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैकेंसी लवर। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं यूपीएसआई के एज रिलैक्सेशन मैटर के बारे में। दोस्तों, आप 10 तारीख की यानी कि 10 जून यानी कि कल का ये नोटिस आया है दोस्तों भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी विजिट कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें एक नोटिस आया है 10 तारीख को, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस बस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें नोटिस में क्या दिया गया है। दोस्तों, इसको जस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिस डाउनलोड हमारा हो चुका है, अब हम देखेंगे इसमें आखिर क्या दिया गया है। दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 49/24/2021 सुशील कुमार बाद 127 अन्य बनाम देश जनदेश और 17 यानी कि दोस्तों, ये नोटिस उन्हीं लोगों के लिए दिया गया है जो कि याचिकाकर्ता बने थे। दोस्तों, इसमें क्या था, एज रिलैक्सेशन का जो अपना मैटर था, 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलना था सभी को। दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने सिर्फ उन्हीं लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया है जो कि याची बने थे। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं सुशील कुमार सिंह बा 127 यानी कि 128 लोग यहाँ पर हो गए, ठीक है दोस्तों, और 17, और दीपक कुमार सिंह 18 लोग यहाँ पर हो गए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये फैसला सिर्फ भर्ती बोर्ड ने याची लोगों के पक्ष में दिया है। और दोस्तों, ये सरासर नाइंसाफी है आप लोगों के समक्ष, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में ही ये दिया गया है कि सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए यानी समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कैंडिडेट जिसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है सिर्फ इस बात पर कि वो याची बन गया था, और दोस्तों एक कैंडिडेट वो है जिसका वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो याची नहीं बना था। दोस्तों, याची बनने के कई कारण हो सकते हैं, या जैसे कि याची कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ में अवेयरनेस नहीं थी कि अगर मैं याची बन जाऊँ तो हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी कारण रहे होंगे, किसी के पास पैसा नहीं रहा होगा, किसी के पास समय नहीं होगा, और कोई किसी के पास जागरूकता नहीं इतनी होगी कि हम याची कैसे बनते हैं या फिर याची बनने से हमें क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये बोर्ड ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, क्योंकि दोस्तों एक कैंडिडेट वो है जो कि समान शैक्षिक अर्हता लेकर और 3 साल का एज रिलैक्सेशन लेकर फॉर्म को भरेगा, और एक दूसरा कैंडिडेट वो है जो कि ओवर एज हो गया और वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। दोस्तों, ये समानता का अधिकार बिल्कुल भी उसका हनन है। दोस्तों, हम लोग अब कोर्ट में जाएंगे, अब मैंने अपने वकील से बात कर ली है। दोस्तों, उन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, हम आपका मैटर को देखते हैं। तो दोस्तों, हम अब आपके आप सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके लिए हम अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, और दोस्तों आपकी ये पिटीशन को फिर से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और दोस्तों बोलेंगे कि अगर एज रिलैक्सेशन देना ही है तो सभी को दीजिए, यानी कि जनरल ऑर्डर को पास करिए, नहीं तो फिर याची ऑर्डर से हम लोगों का कोई भला नहीं होना। क्योंकि कैंडिडेट्स, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल समानता का अधिकार बचा ही नहीं है, कि पता नहीं ये भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, और कोर्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोर्ट अगर आंखों में पट्टी बांधता है तो सचमुच आज मुझे पता चल गया कोर्ट के आंखों में पट्टी ही बंधी होती है। दोस्तों, उसको कम से कम ये अब मान लो किसी भी जज साहब ने ये फैसला दिया हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नाम तो खैर मुझे पता है, वो मैंने अपने एडवोकेट से पूछा था दोस्तों, लेकिन उन्होंने कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि यहाँ पर मैं बच्चों का भविष्य तय कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक एक बच्चा वो है जो कि दिन रात मेहनत करता है, लॉकडाउन में पढ़ाई करे जा रहा है, उसे ना तो अपने खान शरीर की चिंता है, ना ही कोई अपना घूम फिर रहा है, ना ही कुछ भी कर रहा है। मतलब दोस्तों, ऐसे मान लो कि ऐसी हालत हो जाती है पढ़ाई करते करते, और फिर बाद में क्या रहता है कि आप ओवर एज हो चुके हैं, बीच में वैकेंसी नहीं आती है तब तक ओवर एज हो जाते हैं, और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अपने लोगों के साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, इस ऑर्डर को हम जनरल लाकर ही मानेंगे, और दोस्तों आप लोगों को बस हमारा साथ देना है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, इसी तरह की सटीक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। और दोस्तों, आज 11 बजे से हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। दोस्तों, ट्विटर कैंपेन में हमारा क्या हैशटैग रहेगा और किसको किसको ट्वीट करना है आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का, दोस्तों उसमें दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब कोई नहीं, चलो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये फैसला जो है अपर सचिव भर्ती बोर्ड के द्वारा आया है, यानी कल ये फैसला आया था 10/6/2021 को। दोस्तों,
दोस्तों कोई नहीं, हम कोर्ट में जाएंगे और इस फैसले को दोबारा से सुनने को बोलेंगे कोर्ट को। और बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों ट्विटर कैंपेन में आप सब लोग जुड़े हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो और ये मामला मीडिया तक पहुँचे। दोस्तों मीडिया, मैंने मीडिया वालों से भी काफ़ी बात की तो उन्होंने यही बोला कि सर मामला थोड़ा ट्रेंडिंग में होना चाहिए, कम से कम ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग कराओ या फिर कुछ कुछ ऐसा मामला होना चाहिए जो जिससे कि हमारी टीआरपी भी ना गिरे और आपका भी काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम ये मामला ट्रेंडिंग में लाओ जिससे कि मीडिया अपने साथ खड़ी हो, क्योंकि अब दोस्तों आपको मीडिया का तो पता ही है, अगर मामला बिल्कुल अगर दो चार लोगों के बीच में है या फिर 10-15 लोगों के बीच में है तो मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। लेकिन वही मामला अगर ट्रेंडिंग में जा रहा है तो मीडिया वाले आपसे खुद चल कर आते हैं, भाई अपने अपना मामला बताओ, हम सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट करने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो ला रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि आपको किसको क्या हैशटैग रहेगा। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हैशटैग अगर आप सेव रखेंगे ना तभी मामला ट्रेंडिंग में आएगा। अगर मान लो आप, मैं किसी हैशटैग से ट्वीट कर रहा हूँ और हमारे साथ ही आप लोग हैं वो किसी और हैशटैग पे ट्वीट कर रहे हैं, तो दोस्तों वो मामला ट्रेंडिंग में नहीं जाता है। क्योंकि अगर सेम हैशटैग होगा और एक ही बार में मान लो 11 बजे से ही ट्वीट होना स्टार्ट होते हैं ना, तो वो मामला ट्रेंडिंग में आएगा और फिर मीडिया उसको सुनेगा। ठीक है दोस्तों, और रही बात इसकी जनरल ऑर्डर लाने की, तो दोस्तों उसके लिए हम आज जा रहे हैं कोर्ट में भी जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, हमने अपने वकील से बात कर ली है, तो दोस्तों आपके लिए पूरा पूरा सहयोग मिलेगा हमारा। और दोस्तों आप भी पूरा सहयोग दीजिए हमें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।